हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर को, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था लॉजिकल ऑपरेटर को, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बिटवाइज को। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बिट को, बिट वाइज ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर को हम लोग सीखेंगे। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है और बिटवाइज ऑपरेटर ऑपरेशन कैसे करते हैं, यानी कि परफॉर्म कैसे करता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो हमारा होता है वो बिट पे वर्क करता है, ठीक है। जैसे इंटीजर टाइप हम कोई वैल्यू, शॉर्ट इंटीजर या कोई वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे, तो उसको बिट में, बाइनरी में कन्वर्ट करके, उसके बाद उसका बिट वाले बिट परफॉर्म करके, और उसका जो आउटपुट देता है डेसिमल में देता है, ठीक है, सिंगल फॉर्म में। ओके, तो ये सब मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर जो हमारा होता है सिर्फ इंटीजर टाइप ही वैल्यू लेता है, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर टाइप ही वैल्यू लेता है, फर्स्ट फॉर्म में समझिए, इंटीजर टाइप ही सिर्फ वैल्यू लेता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका बिटवाइज ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर टाइप वैल्यू लेता है, ठीक है, इंटीजर। ओके, और इंटीजर टाइप ही वैल्यू लगा, नॉट डबल और नॉट फ्लोट, दोनों में से कोई नहीं लेगा, सिर्फ इंटीजर लेगा, ठीक है। अगली बात आती है यहाँ पे इंटीजर के बाद यहाँ पे आपका जो आएगा, यहाँ पे जो आउटपुट देता है डिस्प्ले पे वो सिंगल फॉर्म में देगा, ठीक है। तो आउटपुट सिंगल फॉर्म में देगा, आउटपुट जो है हमारा सिंगल में देगा। ओके, तो ये दो फॉर्म हो गया, और इसके बाद जो हमारा होता है बस इतना ही, ठीक है। ये चीज पे परफॉर्म करता है बिट को, ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर। तो ये जो होता है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हम इंट ए इज़ टू 5 ले लिए, तो 5 क्या हुआ, एक वैल्यू हुआ, और ये क्या हुआ, एक वेरिएबल हुआ, और ये क्या हुआ, एक कीवर्ड हुआ, यानी कि इंटीजर टाइप, ठीक है, इंटीजर टाइप है। तो यहाँ पे अगर आप फ्लॉट लोगे तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, बिट में। आप और चीज में वर्क कर सकते हो, बट बिट में, बिटवाइज में आप फ्लॉट या डबल का यूज नहीं कर सकते हो। अब शॉर्ट इंटीजर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इंटीजर का जो टाइप होता है, इंटीजर में जो बाई बिट होते हैं, ठीक है, 4 बिट होता है, ठीक है, 4 बिट होता है, और इसका जो बाइट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइट, तो 1 बिट बराबर हमारे पास जो होते हैं मैक्स 8 बाइट होते हैं, ठीक है, तो 8 बाइट होता है। तो इसी कारण ये इस प्रकार से फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें काफी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको शॉर्ट में ले लेंगे, ठीक है। शॉर्ट का जो होता है, शॉर्ट इंटीजर का, एक मिनट गाइस, यहाँ पे जो हमारा शॉर्ट इंटीजर का होता है, शॉर्ट इंटीजर जो होता है 2 बिट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 जो हमारा होता है, यहाँ पे 16 बाइट हो जाता है, ठीक है। तो इस पे अच्छा से छोटे में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, बेसिकली उसका टाइप जो होते हैं 6 होते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में 2 थो, ठीक है। उसके बाद मैं 2 और बताऊंगा, उसके बाद 2 और बता दूंगा, उसके बाद बिट वाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका ऑपरेटर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक और ऑपरेटर होता है जो कि टर्नरी ऑपरेटर होता है, ठीक है, तो वो आने वाले समय में मैं बताऊंगा, ठीक है। हालांकि तो यहाँ पे जो आपका, मैं यहाँ पे बताऊंगा अभी, दो बिट वाइज ऑपरेटर को मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ एंड बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड, ठीक है, बिटवाइज, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सॉरी मैं लॉन्ग में ही लिख देता हूँ यार गाइस, तो आप कंफ्यूजन। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहला जो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे आपको, हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर,
और ये जो है इसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। तो और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था लॉजिकल ऑपरेटर में ऐसे ही सिंबल था, बट वहां पे क्या था, लॉजिकल में डबल था, ऐसे था, और यहाँ पे क्या है, सिंगल है। तो देखो दोनों का जो थ्योरी जो होता है, दोनों का जो रिएक्शन होता है सेम होता है, ठीक है, दोनों सेम तरीके से वर्क करते हैं, बट यहाँ पे बिट में सिंगल सिंगल नॉट लगता है और वहां पे डबल लगता है, ठीक है, लेकिन दोनों का एक्शन सेम होता है, ठीक है। और बिट तो पता ही है आपको, सिंगल फॉर्म में आउटपुट देता है, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक और होता है हमारे पास, तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ और इसको मैं डायरेक्टली लाइव प्रूफ मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं मान के चलो यहाँ पे ले लेता हूँ शॉर्ट, ठीक है, मैं इंटीजर इंट ए शॉर्ट इंट लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट इंट लेता हूँ, ठीक है, शॉर्ट इंट ए इज़ टू 5, ओके। और सेकेंड नंबर यहाँ पे शॉर्ट इंट बी इज़ टू मैं ले लेता हूँ 4, ओके। और इसमें हमको क्या चेक करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट ओके और रिजल्ट रिजल्ट इज़ टू 0 मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये काम करेगा, ठीक है, ये भी एक प्रकार से शॉर्ट इंटीजर हो गया, यहाँ पे इंटीजर डालना था, ठीक है, शॉर्ट इंट ओके, मैं कोड में डालूंगा, ठीक है, ये मैं अभी आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, ये दोनों से ही वर्क करेगा, ठीक है, ये दोनों को मैं पहले यहाँ पे आउटपुट पे हमको क्या प्रोड्यूस करना है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, एंड सॉरी गाइस, एंड बिटवाइज ऑपरेटर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले को पहला जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है शॉर्ट है, यानी कि 2 बिट, ओके, तो 2 बिट यानी कि बाइट कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 बिट यानी कि 8 बाइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, इतना में ही काम हो जाएगा, ठीक है, इतना में ही आ जाएगा ये इसका आंसर, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि अभी तो 2 बाइट है, 2 बिट है, तो आपको आगे लिखना पड़ेगा 32 और यहाँ पे 64, ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 7 8 या और यहाँ पे 128, ठीक है, वो अपने हिसाब से देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, एक मिनट में गया, इसको मैं अभी हटाता हूँ, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक लिया था वैल्यू 5 और एक लिया था 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 4, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, 16 32 64 और उसके बाद हमारा 128, ओके। ये मैं थोड़ा सटा हुआ लिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 के नीचे हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक 1 लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा 5, ठीक है, 4 और 1 5 हो जाता है और सब 0 हो जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब अगली बात आती है यहाँ पे कि अब ये इसका तो निकल गया 4 का, ये किसका है, 5 का है, सॉरी, ये 5 का है, 5 का है, और यहाँ पे मैं 4 का भी निकालता हूँ ऐसे ही। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 1 2 4 और 8, और यहाँ पे इतना ही लिखते हैं, ठीक है, इतना से ही काम चल जाएगा मेरा,
और इसके बाद आप आगे की तरफ लिख सकते हो, मैं इस तरह से मूव कर देता हूँ आगे की तरफ आपको लिख, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि फोर के लिए यहाँ पे दे देंगे वन, तो फोर हो जाएगा और सब जीरो बैठा देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को फोर मिल गया, यहाँ पे मेरे को फाइव मिल गया था, फोर और वन फाइव हो जाता है, तो उसके नीचे जहाँ पे आप जी अगर मान के चलो यहाँ पे अगर आपका टेन होता, इसके जगह पर आपका टेन होता, ये नहीं होता, आपके पास टेन होता तो आप कैसे लिखते? एट यहाँ पे लिखते वन और एक यहाँ पे लिखते वन और सब जीरो बैठा देते। ऐसे वर्क करना है आपको, ऐसे काम करना है, ठीक है। इस चीज पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ओके हो गया, तो ये हो गया। और इस ये किसका है? फोर का है, फोर का बाइनरी है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हम कि यहाँ पे अब यूज करते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर बोलता है कि दोनों टू ऑपरेंट्स जो होते हैं, दोनों ऑपरेंट्स जो होते हैं वो सिमिलर होगा, ठीक है। तो वहां पे जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ए ऑपरेंट वन हो गया, ठीक है, ऑपरेंट वन, और यहाँ पे ऑपरेंट ये बी वाला है, ये वन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि यहाँ पे इसका बाइनरी लिख लेते हैं, ठीक है, इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला का क्या है यहाँ पे, टू जीरो, ओके। तो यहाँ पे हम जीरो 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 वन जीरो वन, ठीक है, ये वाला, ओके। और सेकेंड नंबर में हम क्या है यहाँ पे, सेकेंड नंबर में हमारे पास है जीरो वन जीरो जीरो, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे क्या, जीरो जीरो क्या होता है, जीरो 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 क्या होता है, जीरो होता है। अब ये इससे ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये हमारा इसके बराबर है और ये हमारा इसके बराबर है, ठीक है। ये हम ऐसे लिखे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो जीरो क्या होता है, जीरो होगा, क्योंकि दोनों जीरो है। तो एंड लॉजिक एंड बिटवाइज ऑपरेटर जीरो 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 फॉल्स 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 देता है, ठीक है। और वन वन यहाँ पे क्या होगा, वन होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रू 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 होगा, दोनों ट्रू होगा तो ही जाके एंड ऑपरेटर ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन, और इसके बाद ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो होगा क्योंकि एक फॉल्स है, इसी कारण यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा किसका बाइनरी हुआ, किसका जो है ये बाइनरी है, ये वाला मिलाओ, और इसको चेक करना है, अगर आपको चेक करना हो, ठीक है, तो आप लिख दो जीरो वन जीरो जीरो, ठीक है, ऐसे लिख दो। और सबसे पहले वन, उसके बाद टू, और इसके बाद फोर, और इसके बाद फाइव, सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे एट, ठीक है। ऐसे वर्क करोगे तो आपके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसका है, फोर का, तो यहाँ पे आंसर में क्या देगा, देगा सिंगल फॉर्म में फोर देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल करता हूँ और यहाँ पे मैं कोड कोड .c, देन एंटर, और यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, हैज इंक्लूड, मैं जूम कर लेता हूँ, इतना काफी है, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मैन के बाद मैं क्या करूंगा, सॉरी गाइस, हॉट इंट इक्वल टू ए, हॉट इंट ए इक्वल टू फाइव, यही ना था, और सॉर्ट इंट बी इक्वल टू फोर,
यहाँ पे सेमी कॉलम देना था, ठीक है। और इसके बाद मैं कर दूंगा रिजल्ट के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, इसका मैं आउटपुट निकाल देता हूँ, ठीक है। डॉट इंट सी, सॉरी गाइस, डॉट इंट सी कर दूंगा। डॉट इंट सी, ओके। और यहाँ पे प्रिंट एफ करूंगा और यहाँ पे परसेंट डी यूज करूंगा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेमी कॉलम, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे सी कर दूंगा, ओके। और मैं यहाँ पे एंटर हिट करके यहाँ पे सी इजकल टू, यहाँ पे सी इजकल टू ए एंड बिटवाइज ऑपरेटर, सॉरी गाइस, एंड बिटवाइज ऑपरेटर डी सेमी कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे भी सेमी कॉलम देना है मेरे को, सेमी कॉलम, ठीक है। और कंट्रोल एस करेंगे और इसको कंपाइल करेंगे। कोड 14, एंटर, ओके। यहाँ पे कंपाइल हो गया और यहाँ पे हम रन करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट में जो आया था 4 वही आएगा, ठीक है। देख सकते हो आउटपुट में जो था 4 वही आया, ओके। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा ऑपरेशन करवाए हैं इसमें, ठीक है। ऑपरेशन क्या हुआ है, यहाँ पे आपका जो है एंड बिटवाइज ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है। और ये ऑपरेंट एक है, ए एक ऑपरेंट है और बी एक ऑपरेंट है, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, खुद से देखो यहाँ पे कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट जो है रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन 4 कैसे आया, इस चीज को आपको पता करने के लिए आपको खुद से बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे कोड को, यानी कि पूरे डेसिमल को, यानी कि पूरे जो इंटीजर वैल्यू है उसको, ठीक है। तो ये जाके आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है कंप्यूटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। अब हम क्या, अब यहाँ पे हम बताएंगे आपको और ऑपरेटर, ठीक है, और बिटवाइज और ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं इसको पूरे को रिमूव करता हूँ, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो यहाँ से, ये फर्स्ट वाले से बिटवाइज एंड ऑपरेटर से नहीं सीखा तो इससे जरूर आप सीख जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आराम से आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बिटवाइज और ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसको मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू जो है हमारे पास 5 ले लेते हैं, सेम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास 4 लेते हैं, ठीक है। तो इसको मेरे को क्या करना है, बाइनरी में पहले कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी शॉर्ट लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बाइनरी नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसका जो बिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाइनरी लिखने के लिए, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे हम दे देते हैं 1, ठीक है। उसके बाद देंगे 2, और 2 के ऊपर 2 लग जाता है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ वो बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है रैम में स्टोर होता है, रैम बाइनरी जो होता है, जो रैम होता है वो बाइनरी में काम करता है, यानी कि बिट में वर्क करता है, ठीक है। तो इस चीज पे थोड़ा देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे बता रहा हूँ वैसे करो और आराम से करो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, 4 को कन्वर्ट करना है। तो 4 को कन्वर्ट करने के लिए 1 के नीचे लिख देंगे, 4 के नीचे लिख देंगे 1, और एक 1 के नीचे लिख देंगे 1, और सब 0 लिख देंगे,
इसका जरूरत नहीं है, लेकिन इसके आगे और भी आगे होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर लोगे तो आपका होगा, इंटीजर लोगे तो वहाँ पे 1 बिट बराबर होता है हमारे पास 8 बाइट, ठीक है। तो ये बाइट बिट ये समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा आपको, तो एक ही भाषा में समझो कि आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया होगा कि इंटीजर जो होता है 4 बिट का होता है, ठीक है, और शॉर्ट इंटीजर जो होता है, शॉर्ट इंटीजर जो होता है 2 बिट का होता है, ठीक है। तो 1 बिट बराबर 8 बाइट होता है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसका हो गया ये कन्वर्ट, ये किसका है, 5 का है, ये 5 का है, यानी कि इसका है, ठीक है, इसका हो गया। अब देखो अब 4 का करना है, तो सेम वैसे ही लिखेंगे राइट साइड से, 1 2 4 8, आगे की तरफ लिखते चले जाएंगे, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका 4 का, इसके नीचे 0 हो जाएगा और इसके नीचे भी 0 हो जाएगा। सबसे पहले कुछ नहीं, आप जोड़ के पहले उतना पूरा दो, यानी कि 4 कितने से पूरेगा, इससे पूर जाएगा, तो वहां इसके नीचे 1 लिखो और सबके नीचे 0 लिखो, ठीक है। ऐसे करने से आपका ये 4 का भी ये निकल गया, ठीक है, ये आपका 4 का हो गया, क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि और ऑपरेटर क्या बोलता है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। हमने प्रीवियस वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर में बताया, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे हमने बोला था कि ऑपरेंट 1 पहला अगर 1 देता, पहला 1, और फिर यहाँ पे जो है आपका और ऑपरेटर, मैं उसके लेवल से बता रहा हूँ, लॉजिकल के लिए लेवल से, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आपका 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट में देगा 1, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑपरेंड 0 और सेकेंड ऑपरेंड भी 0, तो यहाँ पे आउटपुट में 0 देगा। अगर यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑपरेंड 1, ओके, और सेकेंड ऑपरेंड हमारे पास 0, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट में 1 देगा। अगर फर्स्ट ऑपरेंड 0, अगर सेकेंड ऑपरेंड 1, तो यहाँ पे आउटपुट में हमारा 1 देगा। हो गया, इतना ही ना परफॉर्म हो सकता है, इतना ही एक्शन हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 2 है, तो क्योंकि 2 ही प्रकार से वर्क होता है, ठीक है, ये 4 ही बार में वर्क होगा, ठीक है, कोई भी चीज 4 डिफाइंड में हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। अब देखो तो इसी चीज को हमको, ये दोनों को एक साथ मिक्सअप करना है, ठीक है। मिक्सअप कैसे करेंगे, ये तो हो गया, ये आपका और ऑपरेटर और लॉजिकल के लिए था, एल लॉजिकल के लिए है, ठीक है, ये वाला के लिए है, ठीक है, लॉजिकल के लिए। लेकिन बिटवाइज के लिए सेम यही परफॉर्म करता है, सेम यही वर्क होता है बिटवाइज में भी, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे क्या करेंगे उस चीज को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऊपर वाले को लिखना है, ठीक है, 5 वाले को। तो मैं यहाँ पे 5 वाले को लिखता हूँ, 0 बाइनरी का, 0101, ठीक है, हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और लग गया लॉजिकल के लिए, बट ये लॉजिकल नहीं है भाई, ठीक है, ये बिट वाइज है, बिट का है, ठीक है, तो सिंगल और लगेगा, ठीक है। इसके बाद अब क्या है, 0 1 मिनट और लग गया, फिर उसके बाद 0 फिर 1, राइट साइड से आपको लिखना था, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि छोटा है तो हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, बट 12 जब आएगा, कोड 12 जो बाइनरी बनेगा, तो समय दिक्कत होगा आपको। अब इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, समझाने के लिए आपको इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्या लगा हुआ है, और ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इससे इससे, ठीक है, राइट साइड से करेंगे, ठीक है, तो इसमें इसको चेक करेंगे, 0 1, यानी कि 0 0 और 1, ये वाला है, तो ये एक्शन में क्या लिखा हुआ है, 1, यानी कि यहाँ पे आउटपुट में क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखाएगा, 1 सेकेंड नंबर, ये वाला, ठीक है, ये इससे लगेगा,
ठीक है, फर्स्ट वाला ये तो राइट साइड से हमको करना था ना, तो राइट को राइट से मिलाओ, फिर से राइट के बाद जो बचा हुआ है उसको फिर उससे मिलाओ, उसके बाद वाले से, तो ऐसे मिला के अब करेगा। तो जीरो जीरो क्या होता है, जीरो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद वन, और वन क्या होता है देख सकते हो, यहाँ पे वन वन क्या होता है, वन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, इसका भी हो गया काम तमाम ये वाला का। ठीक है, अब बचा ये और ये, तो जीरो जीरो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे जीरो जीरो जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या देगा, अब इसको क्या है कि बिट को कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डेसिमल बिट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसे बिट में, तो बिट में क्या होता है, सबसे पहले वन जाएगा, फिर टू जाएगा, फिर फोर जाएगा, फिर एट जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे एन है, यानी कि फोर को पहले ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इसके नीचे वन है, देखो एक मिनट गाइस। हाउस कहाँ गया, यहाँ पे है। ओके, इसके नीचे वन है, देखो हो गया, ये वन था तो फोर को उठा लिए, और यहाँ पे वन है तो इसको वन को उठा लिए, प्लस वन। अगर यहाँ पे होता वन तो हम, और यहाँ पे होता जीरो, ठीक है, तो हम इसको ना उठा के हम इसको उठाते। ठीक है, तो उस समय आंसर कितना आ जाता, सिक्स आ जाता, लेकिन अभी तो वन है तो इसी कारण यहाँ पे आंसर आ जाएगा फाइव। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्प्ले में देख लेते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम करके, मैं एक न्यू फाइल फिर से ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोड कोड मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। ठीक है, हैज इंक्लूड, सेम प्रोसेस करना है। शॉर्ट में ले रहा हूं, ठीक है, ए इक्वल टू फाइव शॉर्ट इंट बी इक्वल टू फोर शॉर्ट इंट सी सेमी कॉलम। अब यहां पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, सी इक्वल टू इक्वल टू ए, के बाद और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर ठीक है, ओके, और ऑपरेटर और बी सेमी कॉलम। उसके बाद मैं डिस्प्ले करवा लूंगा, प्रिंट एफ परसेंट डी सेमी कॉलम सी, फिर से यहाँ पे सेमी कॉलम। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करता हूँ। एंटर, ये कंपाइल हो गया। अब इसको मैं रन कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में जो है हमारा आया फाइव आया, जो वहाँ पे जो हमने खुद से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा था। एक मिनट मैं गाइस आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो हमने खुद से कैलकुलेट किया था, एक मिनट, यहाँ से जो हमने खुद से कैलकुलेट यहाँ पे किया, यहाँ पे जो हमने खुद से कैलकुलेट करके यहाँ पे फाइव आउटपुट में निकाला था, सेम आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वर्क कर सकते हो। तो हमने इस वीडियो में सीखा एंड लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी गाइस लॉजिकल आ जा रहा है, एंड बिटवाइज ऑपरेटर, और यहाँ पे और बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।